आज भदोही जनपद की प्रमुख समाज सेवी महिला युवा नेत्री श्रीमती ऋचा सिंह जी बघेल से उनके आवास सिद्धपीठ बघेल छावनी हरियाव में एबीपीएस न्यूज चैनल के भदोही संवाददाता श्री गोपाल उपाध्याय ने वार्ता किया और उनसे जानना चाहा कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश में कितना सफल साबित हो रहा है और देश की बेटियों को क्या संदेश देना चाहती है। आज हम आए हैं भदोही जनपद के महिला नेत्री श्रीमती ऋचा सिंह के यहाँ। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि भारत सरकार के किए जा रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन में किस ढंग से इनकी सहभागिता है। इनका जनपद के अच्छे राजनेताओं में इनका नाम है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में इनका क्या ख्याल है। आज पूरे देश में हमारे बेटी पढ़ाओ बेटियों के लिए बड़े बड़े प्लान आ रहे हैं, बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभा रही हैं बेटियां हमारी। विश्व स्तर पर हमारी बेटियां जा रही हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। तो इसके लिए हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम अपनी अपनी बेटियों को कम से कम शुरुआती, ज़्यादा नहीं, शुरुआती अगर हम उनको सशक्त बनाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, उनका जिस भी लेवल पे, उनकी जहाँ पे उनकी मानसिकता बनती है कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उस पर अब माता पिता से यही कहूँगी कि वो अपने अपने सपनों को बच्चों पे ना थोपें, बच्चों को देखें कि उनकी दिशा किधर जा रही है, उनकी दिशा जिधर जा रही है बस उधर ही लग जाएं। और वो बच्चा जब बड़ा हो गया, अपने माता पिता के सहयोग से जब वो आगे बढ़ता है तो निश्चित ही एक शिखर पर पहुँचता है। और शिखर पर पहुँचने के लिए यही चाहिए कि हर माता पिता अपने बच्चों के सपनों को पहले समझे कि मेरा बेटा या मेरी बेटियाँ, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है कि मेरी बेटी एक खेल में आगे निकलना चाहती है, या हमारी बेटी अध्यात्म में आगे निकलना चाहती है, या मेरी बेटी शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकलना चाहती है। जैसा कि लोग बताते हैं कि आपने बहुत अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, तो उस स्ट्रगल के बारे में आप अपने जो हमारे देश की बेटियां उनके उनसे आप कुछ जो है अपने संबंध और आप इससे साझा करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, हमने जो स्ट्रगल किया है और उसके आधार पे, अनुभवों के आधार पे, मैं बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि बेटियां कभी पीछे मुड़ के ना देखें। जो बेटियां पीछे मुड़ के देखेंगी आगे निश्चित ही नहीं बढ़ पाएंगी। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आगे और लक्ष्य पे ध्यान देना ज़रूरी है। और समाज में आज भी लड़कियों की, स्त्रियों की जो दशा है वो दोयम दर्जे की आज भी है। आज के इस युग में दोयम दर्जे की आज भी दशा है, और उस दोयम दर्जे में होते हुए बेटियों को अपने को स्थापित करते हुए अपने सबसे पहले आत्मबल, अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति उनको तैयार करनी होगी। जब उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएगी तो कोई उनको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। कोई कितना भी पीछे से आवाज़ लगाए, बेटियां जब आगे निकलती हैं तो सिर्फ आगे निकलती चली जाती हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से यही कहना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र में आज भी बेटियों के लिए कर तो बहुत सारा कुछ रहे हैं, बोलो बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में और उनकी सुरक्षा के लिए मैं कहना चाहूँगी, बेटियों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा जो वो सरकारी तौर पे दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उनको निजी सुरक्षा के लिए, उनके लिए जगह जगह पर, गांव स्तर में है अगर तो ग्राम स्तर पर और जनपद के स्तर पर, प्रदेश के लेवल पर, उनको कुछ ऐसे अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का उनको देना चाहिए ताकि वो सीख करके, जैसे फायरिंग हुआ, कराटे हुआ, इनके लिए वो फ्री में सुविधा हो। तो क्या जो एंटी रोमियो जो स्क्वाड जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, क्या इसका पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसका पालन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। और ऐसा करने से कोई विशेष नहीं, जब तक बेटियों को अलग से मजबूती नहीं प्रदान की जाएगी तो एंटी रोमियो भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए एंटी रोमियो में उन्होंने जो पहल की है बहुत अच्छा है, उससे काफ़ी लाभ भी हुआ है, लड़कियों को लाभ भी हुआ है, पर आगे से ये भी मैं चाहूँगी कि वो लड़कियों को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं वो, ताकि अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। देखिए, ये हैं हमारे भदोही जनपद की वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती ऋचा सिंह। इनके परिवार का एक बहुत बड़ा
इतिहास रहा है कि ये हिंदुत्ववादी प्रवृत्ति का इनका परिवार रहा है और इनके पति का एक हमारे जनपद में संभ्रांत लोगों में इनका ठाकुर अजीत सिंह बघेल जी का बहुत नाम है। इनका खुद का परिवार का इनके पैतृक संपत्ति में बनी है इंद्र बहादुर नेशनल इंटर कॉलेज। और श्रीमती ऋचा सिंह अपने श्रीमद भागवत से इन्होंने PhD किया है। आज इन्होंने भारत की बेटियों के लिए जो संदेश दिया है निश्चित तौर पे हमारे भारत की बेटियां इस पर अमल करेंगी और उसका पूरी तरह भारत सरकार इसको जो मटे नज़रअंदाज नहीं करेगा।